बच्चों अज आप जमात दसवीं पाठ तीजा हाड़ी दी फसलों का भाग दूजा सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है कि तुम मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो जिस दसवीं जमात के हाड़ी दी फसलों का पहला भाग तुम्हें भेजा गया सी चंगी तरह सुन लिया गया होगा तो समझ भी लग गई होगी। अज इसे अगली लड़ी चाह दूजा भाग बाकी जी हाड़ी दी फसलां रह गई सी उन्हां बारे तुम्हें जानकारी देवांगे। अज आप तेल बीज बारे पढ़ांगे हाड़ी दी फसलों से तेल बीज किहड़े किहड़े बीजी दे आ ये वो फसल हैं जिन्हों के बीजों तो तेल प्राप्त किया जाता है। संयुक्त राज अमेरिका दुनिया में सब तो वध तेल बीज पैदा करता है। भारत में यह मान राजस्थान को हासिल है। रईया गोभी सरों तोरिया तारामीरा अलसी कुसुमड़ा और सूरजमुखी पंजाब में हाड़ी में बीजे जाने वाले तेल बीजे हैं। तेल बीजों आप रईया बारे पढ़ांगे। सब तो पहला रईया को व्यापारक आधार से तेल बीजों के मस्टर्ड श्रेणी में गिनिया जाता है। जलवायु और मौसम यह फसल दरमियानी तो भारी बारिश वाले इलाके लिए ढुकवी है और लगभग हर तरह की जमीन में बीजी जा सकती है। फसली चक्कर कहड़ा कहड़ा होंदा है? फसली चक्कर बारे तुहानू दस्सिया सी कि जिहड़ा साल भर फसल आपां वख-वख फसलां बीजी दीआं दो जां तीन फसलां जिहड़े किसान लैंदे उन्हां नूं एक फसली चक्कर पूरा कहिंदे आ। मक्की बाजरा रईया गर्म रुद्दी मूंगी तीन बीजियां जा सकती हैं। मक्की बाजरा रईया गर्म रुद्दी मूंगी जां कपाह ते रईया उन्नत किस्मां कीहड़ियां आर एल सी एक पी बी आर 210 पी बी आर 91। जिहड़ी खेत की तैयारी किदां करनी है फसल लई जमीन नूं दो तो तीन वार वाहो अते हर वाही बाद सुहागा फेरो। रईया नूं बिना वाही तो जीरो टिल ड्रिल नाल भी बीजा जा सकता है। बीज की मात्रा 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ लई वरतो। बिजाई का समा ते ढंग अध अक्तूबर तो अध नवंबर इसकी बिजाई लई ढुकवां समा हुंदा है। बिजाई 30 सेंटीमीटर विथ दीआं कतारां विच करो अते बिजाई तो 3 हफ्ते बाद फसल नूं 10 तो 15 सेंटीमीटर का फासला रख के विरला करो। बचो बिजाई दो 3 हफ्ते बाद फसल नूं 10 तो 15 सेंटीमीटर फासला रख के विरला करो। आ जरूर करना। नदीना की रोकथाम नदीना की रोकथाम लई एक जां दो गोडियां करो। नदीना की रोकथाम लई टेराफलान बिजाई तो पहला जां आइसो प्रोटीयूरान बिजाई तो बाद वरतो। खादां किहड़ियां वरतनियां? इस नूं 40 किलो नाइट्रोजन ते 12 किलो फॉसफोरस प्रति एकड़ की लोड़ हुंदी है। पोटाश तत् की वरतों मिट्टी परख के आधार पर ही करो। सारी फॉसफोरस पोटाश और अद्धी नाइट्रोजन बिजाई समय पाओ। बाकी दी अद्धी नाइट्रोजन पहले पानी नाल पाओ। तेल बीज फसलों लई फॉसफोरस तत् लई सुपरफास्ट खाद नूं पहल दिओ क्योंकि इस विच सल्फर तत् भी हुंदा है जो कि तेल बीज फसलों लई बहुत जरूरी हुंदा है। जे एक खाद ना मिले तो फिर 50 किलो जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब नाल पाओ। जो सिंचाई किस तरह करनी पानी किन्ना देना? पहला पानी 3 तो 4 हफ्ते बाद दिओ। इस नाल पौधों की जड़ा डूंगियां जाणगियां जो कि खाद की योग वरतों लई जरूरी हैं। जे जरूरत होवे तो दूसरा पानी फुल पैन ते दिओ। तीजा अते आखिरी पानी फरवरी के दूजे पंद्रवाड़े विच दिता जा सकता है। कीड़े ते बीमारियां केड़ियां लगदियां नूं? चित्रकबरी भूडी सलेटी सुंडी चेपा अते पत्ते दे सरंगी कीड़ा इस दे मुख कीड़े अते झुलस रोग पीले धब्बियां दा रोग चिट्टी कुंगी अते होर पत्तियां दा रोग इस दीआं मुख बीमारियां हन। कटाई अते गाही कदों करनी है? जदों फलियां पीलियां पै जाण तां फसल कट लैनी चाहीदी है अते एक हफ्ते बाद गाह लैनी चाहीदी है। हुण बच्चो दूजी फसल कीहड़ी है बीज वाली तेल बीजों वाली गोभी सरों। गोभी सरों नूं व्यापारक आधार ते तेल बीजों की रैपसीड श्रेणी में रखना जाता है। गोभी सरों की एक श्रेणी कनोला सरों की है जिस दे तेल में एरोसिक एसिड और खल में ग्लूकोसिनोलेट्स कट होंदे हन जिस करके इन्हां किस्मां दा तेल मनुखी सेहत लई अते खल पशुओं की खुराक लई बहुत वधिया हुंदे हन। तुसीं आम ही तौर सुनदे हो कि कनोला तेल की अजकल बहुत मशहूरी आ रही है इसे गोभी सरों की इस किस्म तो बनता है। जलवायु उत्ते जमीन कितना चाहिए? इस फसल दरमियानी तो भारी बारिश वाले इलाके लिए ढुकवी है।
ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਝੋਨਾ, ਗੋਭੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੋਧੀ ਮੂੰਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਦੋ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਆ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ, ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੋਧੀ ਮੂੰਗੀ। ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ PGS H 51, GSL 2 ਅਤੇ GSL 1। ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? GSC 6, GSC 5। ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹੀ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋ। ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ? 1.5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 1.5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਏਕੜ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਥ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨੂੰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਦੀਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਡੀਆਂ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਾਸਲੀਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਟੀਓਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋ। ਬੱਚੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਰਈਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਈਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗੋਭੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 40 ਤੋਂ 43% ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 43% ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 6.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਝੋਨਾ, ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਉਨੱਤ ਕਿਸਮਾਂ PSH 996, PSH 569, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਖੇਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਹੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋ। ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੋਧ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ। ਬੱਚੋ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ? ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੋ। ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਛੇਤੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਬੀਜੋ। ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਢਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਡੀ ਨਦੀਨ ਉੱਗਣ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਟੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ? 24 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਡਰਿੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਨੂੰ ਤਰਸੀਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 9 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
कटाई ते गाई जदों सिर दा रंग हेठले पासों पीला भूरा हो जावे अते डिस्क सुकनी शुरू हो जावे तां फसल कटण लई तैयार हुंदी है। कटाई कीते सिरां दी उसे वेले सूरजमुखी दे थ्रैशर नाल गाई कर लो। कीड़े ते बीमारियां कट वर्म जिहड़ा चोर कीड़ा तंबाकू दी सुंडी बिहारी पब्बू कुत्ता अते अमरीकन सुंडी इस दे मुख कीड़े अते तने दा गलना जड़ दा गलना अते सिर दा गलना इस दीआं मुख बीमारियां हन। बचाउण आपां चारे बारे पढ़ांगे। हाड़ी दी फसलां च चारे किहड़े किहड़े बीजे जा सकदे ने। हरा चारा पशुओं की खुराक का एक मुख अंग है। एक वड्डे पशु नूं लगभग 40 किलो हरा चारा प्रतिदिन चाहिए हुंदा है पर इस दी प्राप्ति इस नालों बहुत घट है। हाड़ी दे चारियां विच बरसीम सफतल लूसन जमी राई घा अते सेंजी आउंदे हन। इस पाठ विच आपां सिर्फ पंजाब दे मुख चारे बरसीम अते जमी दी कास्त बारे मुढ़ली जानकारी ही देवांगे। सतबलो बरसीम। बरसीम नूं चारियां दा बादशाह कहा जांदा है। बरसीम दी फसल तो नवंबर तो जून दे अंत तक बहुत ही पौष्टिक अते स्वाद चारे दीआं कई कटाइयां लईआं जा सकदीआं हन। उन्नत किस्मां कहिड़ियां हन? BL42 ते BL10। जमीन दी तैयारी। खेत नूं चंगी तरह तैयार करन लई 3 वार वाहो अते हर वाही बाद सुहागा फेरो। बीज दी मात्रा अते सोध। 1 एकड़ लई 8 तों 10 किलो बीज वरतो अते बीज नूं जीवाणु कल्चर दा टीका जरूर लगाओ। बरसीम दे बीज नूं कासनी नदीन दे बीज तो रहत करन लई बीज नूं पानी विच डोबो। कासनी दा बीज उपर तर आवेगा, इस नूं छाननी नाल वख कर दिओ। बिजाई दा समां ते टंग। सितंबर दे आखिरी हफ्ते तो अक्तूबर दा पहला हफ्ता इस दी बिजाई दा ढुकवां समां है। बिजाई खड़े पानी विच छट्टे नाल कीती जा सकदी है। जेकर हवा चलदी होवे तां सुक्के खेत विच बीज दा छट्टा दिओ अते बाद विच छापा फेर के पानी ला दिओ। नदीना दी रोकथाम। बरसीम विच बोई नदीन दी रोकथाम लई बासालीन वरती जा सकदी है। जिन्हां खेतां विच इटसिट दी समस्या होवे उत्थे बरसीम विच राया रला के बीजो ते दो फसलां इकट्ठियां बीज देणियां चाहीदियां, सूरजमुखी ते राइया। राइया दी फसल छेती वधदी है ते इह नदीना नूं दब लैंदी है। इटसिट वाले खेतां विच बिजाई अक्तूबर तो दूजे हफ्ते तक पछेती करो क्योंकि इस वेले तापमान घटन कारण यह नदीन घट उगदा है। खादां कि वरतनिया चाहिए? बिजाई समय 6 टन रूड़ी की खाद अते 20 किलो फॉसफोरस प्रति एकड़ के हिसाब वरतो। जेकर रूड़ी ना होवे तां 10 किलो नाइट्रोजन अते 30 किलो फॉसफोरस प्रति एकड़ वरतो। सिंचाई। पहला पानी 6 तों 8 दिनों पिछों देना जरूरी है। इस तो बाद वाले पानी गर्मियों विच 8 तों 10 दिनों पिछों अते सर्दियों विच 10 तों 15 दिनों पिछों देंदे रहना चाहिए है। पर वाढ़ी कदों करनी है? पहला लो बिजाई तो तकरीबन 15 दिनों पिछों तैयार हो जाता है। उस पिछों सर्दियों विच 40 दिनों पिछों अते बाद विच 30 दिनों के वक्फे ते लो ले जा सकते हैं। कीड़े अते बीमारियां पब्बू कुत्ता घा दा टिड्डा छोलियां दी सुंडी अते कुंडमार हरी सुंडी इस दे मुख कीड़े हैं अते तने दा गलना इस दी मुख बीमारी है। हुण बच्चों जमी बारे पढ़ांगे। खुराकी तत्व तो जवी बरसीम तो दूजे नंबर ते आउंदी है। कलर जां सेम वाली जमीन तो बिना यह हर तरह की जमीनों में उगाई जा सकती है। उन्नत किस्म कि OL9 ते कैंट। बीज की मात्रा ते सोध। सिफारिश की उल्ली नाशक नाल सोधे 25 किलो प्रति एकड़ बीज की लोड़ हुंदी है। बिजाई का समा ते टंग। इसनों अक्तूबर ते दूजे हफ्ते तो अक्तूबर के अखीर तक 20 सेंटीमीटर दूरी के सियाड़ों में बीजो। इस दी बिजाई बिना वाहे 0-टिल ड्रिल नाल भी की जा सकती है। नदीमा की रोकथाम। आम तौर पर गोडी की लोड़ नहीं पैंदी पर जे नदीन ज़्यादा हो जाए तो एक गोडी कर देनी चाहिए है। खादा 15 किलो नाइट्रोजन अते 8 किलो फॉसफोरस प्रति एकड़ बीजन समय पाओ। बिजाई तो 30 तों 40 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब होर पाओ। सिंचाई। रौनी समेत 3 तों 4 पानी काफ़ी हुंदे हन। कटाई। फसल गोब विच सिट्टा बनन तो लै के दोधे दाणिया की हालत विच चारे लई कट लेनी चाहीदी है। बच्चों इत्थे ध्यान रखियो कि सारी फसलां जिन्नियां तुहानूं दसियां गईयां
हाड़ी दियां उन्हां सारियां फसलां नूं कीड़े ते बीमारियां दी रोकथाम लई सिर्फ पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों सिफारिश की कीटनाशक अते उल्लीनाशक जां लुधियाना यूनिवर्सिटी वालों सिफारिश की मात्रा अते समय ते ही वरतों करो, क्योंकि इन्हां दी गलत वरतों मनुखी सेहत वातावरण लई हानिकारक है। इसलिए बच्चो सही मात्रा अते सही समय ते कीटनाशक जां खादां दी वरतों नाल तुहाडा खर्चा भी ते समय की भी बचत होंदी है। ऐसा बहुत खास ध्यान रखना है। बच्चो ये अपना हाड़ी फसलों के बारे तुहानूं जानकारी दित्ती सी, जिस अनाज बारे तेल बीज कहड़े हुंदे ने ते चारे वास्ते हाड़ी च कहड़े बीजे जांदे ने, सारे की जानकारी दित्ती गई। उम्मीद है तुहानूं दोनों वीडियो पसंद आईयां होणगीयां ते ध्यान नाल सुन लईगी। तो आप नूं फिर एक बार दस्या जांदा कि आप इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ता जो तुहानूं समय सिर तुहाडे नवें पाठां की जानकारी मिल सके। अगले पाठ इस पाठ के प्रश्न उत्तर अगले वीडियो देवांगे, इसलिए आप चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो। धन्यवाद।